यस सर वेरी वेलकम आपने देखा होगा एनआर टैक्सेशन चालू है और एनआर टैक्सेशन के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले स्पेशल रेट ऑफ टैक्स टू एनआर हम लोगों ने कर लिया अब आते हैं हम लोग अदर इनकम एनआर की के ऊपर कौन सी इनकम जो है अदर टैक्सेबल है और टैक्सेबल है तो किस तरीके से उसको टैक्स किया जाएगा

कर रहा है तो दैट इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया या फिर अगर कोई इंडियन सिटीजन को या फिर नॉन रेसिडेंट को कोई सैलरी मिल रही है कहां से बेटा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया तो ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल इन इंडिया तो जरा जरा ध्यान ध्यान से से सुनिएगा सुनिएगा नॉन रेसिडेंट को सैलरी तभी टैक्सेबल होगी व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया राइट इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया देती है तो वो इंडियन सिटीजन के हाथ में क्या हो जाता है टैक्सेबल हो जाता है कहा बेटा इंडिया के अंदर में राइट right? दूसरा अब नॉन रेसिडेंट को क्या आ सकता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आ सकता है ये yes. अगर नॉन रेसिडेंट को रेंट जो रिसीव हो रहा है ये कहां रिसीव हो रहा है इंडिया में रिसीव हो रहा है दैट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया यस सो इफ हाउस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया दैट अमाउंट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन इंडिया अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर मान लो हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो एनआर को तभी टैक्सेबल हो सकती है, in मानलो, को कोई मिल रही है वो तो इंडिया में टैक्स हो ही नहीं सकती यानी नॉन रेसिडेंट को हाउस प्रॉपर्टी इनकम तभी टैक्सेबल होगी वेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया तो या तो हाउस प्रॉपर्टी सिचुएट इंडिया में होना चाहिए या रेंट इंडिया में रिसीव होना चाहिए तो ही नॉन रेसिडेंट के हाथ में एचपी इनकम टैक्सेबल होगा yes, तीसरा इनकम आता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है नॉन रेसिडेंट के केस में पीजीबीपी कैसे कंप्यूट किया जाएगा यह वो पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है नॉन रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन है या तो अपना पीजीबीपी नॉर्मल तरीके से कंप्यूट कर ले या तो अपना पीजीबीपी किस तरीके से कंप्यूट कर ले बेटा नॉर्मल तरीके से कंप्यूट कर ले या फिर वो पीजीबीपी कैसे कंप्यूट करे प्रिजमटिव इनकम आप जब पीजीबीपी में थे तो याद होगा तो मैंने आपको बताया था आप जब पीजीबीपी में थे तब मैंने आप लोग को बताया था क्या बताया था बोलो एक बार जोर से हमने आपको बताया था कि भैया जो नॉन रेसिडेंट है इनके लिए भी स्पेशल प्रेजेंटिव इनकम है जैसे रेसिडेंट के लिए जो प्रेजेंटिव इनकम थे रेसिडेंट के लिए जो प्रेजेंटिव इनकम थे वो कौन से थे बेटा रेसिडेंट के प्रेजेंटिव इनकम थे फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर वैसे ही नॉन रेसिडेंट के प्रेजेंटिव इनकम है और एनआर टैक्सेशन में आपको सबसे ज्यादा नॉन रेसिडेंट के प्रेजेंटिव इनकम पूछे जाते हैं Yes? तो एक नॉन रेसिडेंट को दो तरीके हैं पीजीबीपी कंप्यूट करने के एक सेक्शन 28 से 44 सी तक के वो कंप्यूट कर सकता है ये तो अपना नॉर्मल पीजीबीपी जीबीपी हम लोग पढ़ के आ गए ये वही है इसके अंदर में कुछ अलग नहीं है पर हां नॉन रेसिडेंट प्रिजमटिव इनकम कंप्यूट कर सकता है अब नॉन रेसिडेंट के प्रिजमटिव इनकम कौन कौन से है ये देखिए आपको पेज नंबर सात पे देखने को मिल जाएगा नॉन रेसिडेंट के प्रिजम्पटिव इनकम नॉन रेसिडेंट के प्रजम्टिव इनकम पेज नंबर सात पे देखने को मिल जाएगा यहां आपको आते हैं क्वेश्चन यहां आते हैं आपको क्वेश्चन बराबर है उूंगा इस पार्ट पर वापस तो चलिए नॉन रेसिडेंट को सैलरी कब टैक्सेबल है सैलरी तभी टैक्सेबल है व्हेन इट इज इन इंडिया और रिसीव्ड इन इन इंडिया इंडिया एचपी इनकम टैक्स कब टैक्सेबल है व्हेन प्रॉपर्टी सिचुएटेड और द रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल है क्या yes. ये किस तरीके से कंप्यूट होंगे सर दो तरीके से कंप्यूट होंगे या तो नॉर्मल प्रोविजन से कंप्यूट होंगे या फिर आप लोग क्या करेंगे सर इनकम से कंप्यूट करेंगे चौथा कैपिटल गेन टैक्सेबल है क्या जी हाँ सर कैपिटल गेन टैक्सेबल है अगर कैपिटल असेट इंडिया में सिचुएटेड है तब तो ये ऑलवेज टैक्सेबल है बिकॉज कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया प्रॉपर्टी विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया बराबर है दूसरा मान लो कैपिटल असेट ही आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो फिर तो ऐसे केस में जब तक के गेन रिसीव नहीं होता इंडिया में तब तक के टैक्सेबल होने वाला नहीं है

इनकम so या तो तो्राइज इंडिया में होना चाहिए या रिसीव्ड इंडिया में होना चाहिए इन ऑर्डर टू टैक्स इन इंडिया इन ऑर्डर टू टैक्स इन इंडिया अब आते हैं इस पार्ट पे कर कर सकता 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 है बेटा, presumptive income compute कर सकता है है हो बेटा राइट कौन कौन से प्रिजमटिव इनकम है सबसे पहले आता है सेक्शन 44 बी एग्जाम में यह पूछा जाता है नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस पहले याद दिला दू नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस अगर है तो इनकम टैक्स जो है वो उसी प्रीवियस ईयर में देना होता है पोर्ट छोड़ने से पहले क्योंकि नॉन रेसिडेंट जो शिपिंग बिजनेस है वो अगले साल शिप इंडिया में आएगी ये जरूरी नहीं है तो एनआर शिपिंग बिजनेस जो है इसको जो टैक्स देना होता है वो उसी प्रीवियस ईयर में देना होता है जिस प्रीवियस ईयर में उसने ये इनकम कमाई है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू शिपिंग बिजनेस है तो नॉन रेसिडेंट का जो शिपिंग बिजनेस है इनके पास ऑप्शन है टर्न का सेवन और प्रॉफिट डिक्लेयर इन

सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट विचवी पी जी बी पी टर्न ओवर में क्या लिया जाएगा टर्न ओवर के अंदर में सब कुछ लिया जाएगा जितनी इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है चाहे वो पैसेंजर के थ्रू आ रही हो मेल के थ्रू आ रही हो डिज चार्जेस के थ्रू आ रही हो हैंडलिंग चार्जेस के थ्रू आ रही हो गुड शिप के थ्रू आ रही हो हर तरह की इनकम इसके अंदर में क्या की जाती है इनक्लूड की जाती है ये yes, इसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स किया जाता

Rule, of year is in year, अतम, right? बड़े बड़े एयरक्राफ्ट नॉन रेसिडेंट अगर एयरक्राफ्ट बिजनेस में है इंडिया के अंदर में एयरलाइन बिजनेस में है इंडिया में फॉर एग्जाम्पल एतिहाद बराबर है ये क्या कर सकते हैं फाइव परसेंट और टर्नओवर और प्रॉफिट डिक्लेयर विच हायर तो शिपिंग बिजनेस के लिए है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए है फाइव परसेंट यस फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर टर्न ओवर का मीनिंग अगेन यहाँ पे क्या दिया है सेम तो यहाँ टर्न ओवर में क्या इंक्लूड किया जाएगा जो भी शिप्ड इंडिया से हुए हैं या इंडिया में हुए हैं दोनों भी हम क्या करते हैं टर्नओवर के अंदर में इंक्लूड करते हैं फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन 44 ट्रिपल बी फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन कौन सा बेटा 44 ट्रिपल बी अगर कोई फॉरेन कंपनी है एंगेज है यहां पे सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर में एलएनटी कुड बी अ गुड एग्जांपल सो अगर एलएनटी इंडिया से क्या कमा रहा है इनकम कमा रहा है विथ एनी प्रोजेक्ट्स इन कनेक्शन विद पावर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर में है सिविल कंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट डिक्लेर्ड एवर इज हायर टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट डिक्लेयर एवर इज हायर यस ऐसे बिजनेस को अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे ऑडिट भी करना पड़ेगा किसको बेटा सिविल कंस्ट्रक्शन में है उसको राइट right? अगर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा ऑडिट भी करवाना पड़ेगा लेकिन ये कब करवाना है जब आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं तब अब यहां पे एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम 44 बी और 44 फोर बी बी ए के अंदर में लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं क्या लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करने का ऑप्शन फोर्टी बी और बी बी ए के अंदर में नहीं है तो यहां पर आप लिख दीजिए लोअर प्रॉफिट कांट बी डिक्लेयर्ड लोअर प्रॉफिट क्या नहीं हो सकता डिक्लेयर नहीं हो सकता लोअर प्रॉफिट कांट बी डिक्लेयर्ड बराबर है इधर भी क्या रहेगा बेटा सेम तो शिपिंग बिजनेस 7.5 परसेंट एयरक्राफ्ट बिजनेस 5 परसेंट सिविल कंस्ट्रक्शन 10 परसेंट ऑफ टर्नओवर ओवर ये सोनो इसके अलावा एक और फोर्थ है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग और, और फैसिलिटेटिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल अब देखिए इंडिया में एक प्रॉब्लम है इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम क्या है भैया हमारे पास ऑयल एक्सट्रैक्शंस की मशीन नहीं है तो ये जो ऑयल एक्सट्रैक्शन की मशीन है ये फॉरेन कंपनी क्या करती है इंडिया में यू नो प्रोवाइड करती है टू ऑन रेंटल बेसिस तो प्लांट एंड मशीनरी वो लोग क्या करते हैं रेंटल बेसिस पे देते हैं काय के लिए फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल तो मान लीजिए अगर कोई नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनी है जिसने प्लांट एंड मशीनरी क्या दिया है रेंट पे दिया है ये प्लांट एंड मशीनरी किससे रिलेटेड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑइल से रिलेटेड तो टेन परसेंट ऑफ टर्न और प्रॉफिट डिक्लेयर हायर टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट डिक्लेयर विच एवर इज हायर अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में फोर्टी फोर डबल बी में लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर हो सकता है अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे ऑडिट भी करवाना पड़ेगा तो फोर्टी फोर डबल बी और फोर्टी फोर ट्रिपल बी के अंदर में लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर हो सकता है पर बी एंड बीबीए के अंदर में लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं हो सकता प्लीज चेक चलिए डायना बेटा अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने 44 डीए नाम का सेक्शन पढ़ा था 44 डीए मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है राइट right, जिसका पीई इंडिया में है और इनको अगर रॉयल्टी एफ इनकम आ रही है तो ये इनकम कहां टैक्सेबल है इंडिया में एट नॉर्मल रेट तो ये तो हम खैर पढ़ के आ चुके हैं इनकम फ्रॉम रॉयल्टीज बराबर है following expenses are not allowed expenses which are incurred and is not wholly and exclusively for such pe matlab ye pe se related kharche nahi hai amount paid other than reimbursement by pe to head office or any other offices to aapko ye kharche allowed nahi hai barabar hai acha ji sir royalty और fts कितने percent पे taxable है? royalty और fts derived by foreign company from गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न टैक्स रेट विल बी डायरेक्टली कितना परसेंट ट्वेंटी परसेंट टैक्स रेट कितना परसेंट ट्वेंटी परसेंट टैक्सेशन ऑफ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इन रिस्पेक्ट टू हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अब देखिए होता क्या था इसको हम ये भी कहते हैं लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल भी कहते हैं होता क्या था जो इंडियन ब्रांच होती थी किसी फॉरेन कंपनी की

so income of branch of foreign company is computed as per section 28 to 44

शैल बी टोटल इनकम बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड चैप्टर से डिडक्शन लिया होगा वो बैक कर देना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रीसिएशन होगा वो बैक कर देना आ जाएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम इसका पांच परसेंट या एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर इतना ही आपको हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का क्या मिलेगा डिडक्शन मिलेगा yes. अगर अति लॉस है इन द लास्ट थ्री ईयर्स तो एवरेज टोटल इनकम शेल बी कंसिडर्ड यस एवरेज टोटल इनकम शेल बी कंसिडर्ड सो इफ अति इज अ लॉस्ट करंट ईयर में अगर आपका अति क्या आ जाता है लॉस आ जाता है तो लास्ट थ्री ईयर्स का फिर आपको एवरेज अति लेना पड़ेगा लास्ट थ्री इयर्स का आपको क्या लेना पड़ेगा एवरेज अति लेना पड़ेगा हेड ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कोई रेंट रेट्स इंश्योरेंस आपने पे किया होगा फॉर अ प्रमाइसिस आउटसाइड इंडिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया होगा एम्प्लॉई या मैनेजिंग डायरेक्टर के या अदर एक्सपेंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब अब देखो इस पूरे के पूरे पेज पे लॉजिकली आपको ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं चेक कर लो एक बार फिर से तो देखो एनआर टैक्सेशन में भी ना अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ से प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सिलेक्टिव आपको क्या करना है क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं अब ये दो बहुत पूछे जाते हैं फिर मैंने आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बताया वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं तो इनको आप देखोगे ना तो आपको बहुत ईजिल यू you नो know, एनआर टैक्सेशन जम जाएगा अब देखिए आप ट्रैक देख रहे हैं आपके पास रेगुलर के जितना टाइम नहीं है कि अपन हर कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम ले सके बट डेफिनेटली एंड अनसर्टनली हम उन पॉइंट्स के ऊपर तो क्वेश्चन ले ही सकते हैं जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं पूछे जाते हैं यस yes. चलिए इससे रिलेटेड कुछ अनसोल्व क्वेश्चन भी है जो मैं यहां पे सॉल्व करा देता हूं ये अनसोल्व क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है और पास्ट एग्जाम में भी थे यस yes. चेक करिए फर्स्ट क्वेश्चन को पहले नॉन रेसिडेंट ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट बिटवीन सिंगापुर एंड चेन्नई तो नॉन रेसिडेंट है इंडिया में काम में एंगेज है एयरक्राफ्ट बिजनेस में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाता है ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट फॉर कैरिंग आउट द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट टू करोड़ इंडिया में रिसीव हुए फ्रॉम कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई मतलब इनकम अर इन इंडिया यहां से कितना रिसीव हुआ बेटा टू करोड़ वन करोड़ इंडिया में ही रिसीव्ड हुआ तो भैया रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया थ्री करोड़ इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ पैसेंजर इधर थ्री करोड़ रिसीव्ड हुआ वन करोड़ इन सिंगापुर ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई पैसेंजर तो चेन्नई से थे मतलब इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया टोटल कितना हुआ चार और तीन सात टोटल अमाउंट कितनी हुई बेटा सात करोड़ रुपए आपको क्या हुए अलाउ हुए टोटल एक्सपेंडिचर इनकर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इज 6.75 करोड़ अगर आप प्रिजम्टिव इनकम के बेसिस पे टैक्स दे रहे हैं तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया उससे कोई लेन नहीं है कंप्यूट द इनकम to टू टैक्स इन इंडिया अंडर द हेड ऑफ What would be your वुड बी योर आंसर was बिजनेस on by ऑन foreign कंपनी क्यू एयरलाइन प्राइवेट लिमिटेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लाइन सिर्फ आपको घुमाने के लिए दी है द आंसर विल रिमेन सेम आंसर विल सेम तो सेवन करोड़ का एयरलाइन बिजनेस है कितना परसेंट बेटा पांच परसेंट यस yes. आपका थर्टी फाइव लाख रुपीज क्या आ जाएगा पीजीबीपी आ जाएगा आपका पीजीबीपी ही कितना माना जाएगा थर्टी फाइव लैक्स बड़ा सिंपल है आंसर थर्टी फाइव लैक्स है लिखेंगे कैसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा फोर्टी फोर बीबीए का थ्योरी लिखना होगा बराबर है बड़े बड़े एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट से कैसे याद आएगा बड़े बड़े एयरक्राफ्ट प्लीज राइट डाउन मैं डिक्टेट कर रहा हूं एस पर सेक्शन फोर्टी फोर बी बी ए क्वेश्चन नंबर वन लिखिए ऑफ अनसोल्व क्वेश्चन पर सेक्शन फोर्टी फोर बी बी अ नॉन रेसिडेंट ऑपरेटिंग एन एयरक्राफ्ट इन इंडिया if non resident is operating aircraft in india pgbp shall be pgbp shall be 5% of turnover 5% of turnover or profit declared or profit declared विच एवर इज हायर विच एवर इज हायर इन दिस केस इन दिस केस पी जी बी पी शैल बी एज अंडर इन दिस केस पीजीबीपी शैल बी एज अंडर नीचे एक, एक फॉर्मेट बनाइए पर्टिकुलर और रुपीज नीचे एक फॉर्मेट बनाइए पर्टिकुलर्स और रुपीज पर्टिकुलर्स में पहला पॉइंट ये ही एक दो तीन चार हमें टोटल सात करोड़ दिखाना है पहला कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम इंडिया अमाउंट में लिखिएगा टू करोड़ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम इंडिया टू करोड़ सेकेंड पॉइंट कैरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया वन करोड़ कैरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया वन करोड़ थर्ड कैरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सिंगापुर कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम सिंगापुर अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम सिंगापुर अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया थ्री करोड़ अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया थ्री करोड़ फोर्थ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई वन करोड़ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई वन करोड़ टोटल लिखिए सेवन करोड़ टोटल लिखिए सेवन करोड़ डन इसी के नीचे दे आर फॉर पी जीबीपी शैल बी देर फॉर पीजीबीपी शैल बी फाइव परसेन करोड़ फाइव परसेंट ऑफ सेवन करोड़ दर्टी फाइव लैक्स दैट इज थर्टी फाइव लैक्स बराबर बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ section 44bba does not discriminate between section 44bba does not discriminate between corporate and non corporate taxpayer section 44bba does not discriminate between corporate and non corporate taxpayer देयर फॉर द आंसर विल नॉट चेंज देयर फॉर द आंसर विल नॉट चेंज बराबर है चलिए समझ में आया बेटा किस तरीके से आएगा एक लाइन बस उसके नीचे और लिख दीजिएगा इफ एस हैसी ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव इनकम If assessee opt for presumptive income, the expenses are not allowed as deduction. The expenses are not allowed as deduction. बराबर है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं क्वेश्चन आएंगे चार से छह मार्क के लिए इतना आसान है, believe me. स yes, एक बार अपने क्वेश्चन खत्म हो जाए मैं आपको आपका मॉड्यूल भी ओपन करके दिखा दूंगा नया वाला सेम टाइप के क्वेश्चन है कुछ नया नहीं है और एक बार अपना ये एनआर खत्म हुआ आप जाकर ये मॉड्यूल का हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना वैसे भी जितने टॉपिक हुए होंगे राइट उनके सारे के सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से सॉल्व कर लेना आपको जरूर जमेंगे इस बात का गारंटी मेरा है बराबर है कोई क्वेश्चन इसके बावजूद नहीं समझ में आया बेटा बिंदास अपने पास फॉरवर्ड कर देना आस्क विजय सर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम उस पर अपन जरूर रिप्लाई कर देंगे डन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए डायरेक्ट फोर्थ पे आइए ये वो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड है प्रोविजन रीड इट स्मिथ अ फॉरन नेशनल एन अ क्रिकेटर केम टू इंडिया एज अ मेंस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ही रिसीव्ड फाइव लैक फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ मैच इन इंडिया फाइव लैक रिसीव किया का लिए बेटा पार्टिसिपेशन इन गेम्स बराबर है ना ठीक है ही ऑल्सो रिसीव्ड वन लैक फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री ही कॉन्ट्रीब्यूटेड एन आर्टिकल आर्टिकल के लिए उसने पैसे दिए कितने रुपए टेन थाउजेंड रुपीज एंड वेन ही स्टेड इन इंडिया ही वॉन्ट ट्वेंटी थाउजेंड फ्रॉम हॉर्स रेसिंग ऑल्सो तो भैया ये तीन तो आ गए एक सौ पंद्रह बी बी ए के तहत और ये जो हॉर्स रेस विनिंग की है 115 डबल बी ये आ गया हॉर्स रेस विनिंग कितना रुपया आया बेटा ट्वेंटी थाउजेंड ही इंडिया ठीक है सबसे पहले कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ स्मिथ आर द इनकम स्पेसिफाइड अबाउट सब्जेक्ट टू टीडीएस ये आएगा वन ई प्लस वन नाइनटी फोर डबल बी इजी लाइबल टू फाइल रिटर्न वैसे इन इनकम के लिए नहीं पर हां इनकम के लिए यस हो जाएगा वॉट वुड बीन अ मैच रेफरी इन ऑफ अ क्रिकेटर अच्छा जी सर आ जाइए सबसे पहले लिखिए सबसे पहले लिखिए थ्योरी लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत राइट राइट डाउन पॉइंट नंबर वन यस द अबाउ इनकम इज टैक्सेबल सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे

सबसे पहले आपका टोटल इनकम कितना पकड़ा जाएगा बेटा टोटल इनकम कितना पकड़ा जाएगा छ लाख छह लाख तीस हजार तो आपका छ लाख तीस हजार टोटल इनकम बन गया बराबर है कि नहीं हम्म? इसके ऊपर टैक्स रेट बराबर है जो कवर हो रहा है एक सौ पंद्रह डबल बी ए के अंदर में उस पर टैक्स है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट बराबर ना उिक्स लैख टेन थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट यह आया वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड और जो आ रहा है एक सौ पंद्रह डबल बी के अंदर में उस पर टैक्स रेट होगा एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट यानी यह हो गया सिक्स थाउजेंड तो आपका टोटल टैक्स बन गया वन लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड किसी नालायक के मन में जरूर आ रहा होगा सर छह लाख तीस हजार है रिबेट दे देता हूं बुलाती है मगर जाने का नहीं रिबेट जो है वो सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा नॉन रेसिडेंट को नहीं तो दे मत देना समझ रहे हो ना इसपे सीधा एच ई सी एड होगा एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फाइव वन टू जीरो 5120 आपका फाइनल आंसर आएगा 133120 चेक कर लो आपका फाइनल आंसर आएगा 133120 Done हो गया बेटा चलो ये हुआ पहला क्वेश्चन आपको बोला था टैक्स लाइबिलिटी निकालो हमने निकाल ली दूसरा आर दीज इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन यस कौन सा इनकम जो आपका ऊपर का इनकम होगा इस पे टीडीएस आएगा 194 नाइनटी e ई के तहत और इस पे टीडीएस आएगा 194 डबल बी के तहत याद आ रहा है तुम लोगों को प्लीज राइट डाउन पॉइंट नंबर टू आंसर नंबर टू the income covered under section 115bba the income covered under section 115bba shall be subject to tax shall be subject to tds shall be subject to tds under section 194e under section 194e एट द रेट ऑफ ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट इफेक्टिव रेट अंडर सेक्शन वन नाइंटी फोर ही एट द रेट ऑफ ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट इफेक्टिव रेट लिख दो ट्वेंटी पॉइंट एट कैसा आया ट्वेंटी परसेंट इज द टीडीएस रेट प्लस चार परसेंट इज एचईसी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट एक और पॉइंट लिखिए इनकम कवर्ड अंडर 115 एंड फिफ्टीन डबल बी इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 115 एंड फिफ्टीन डबल बी शेल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 31.20 परसेंट इफेक्टिव रेट Thirty one point twenty percent effective rate. Yes, is that done? थर्ड क्वेश्चन इज ही लाइबल टू फाइल आईटीआर देखो एक सौ पंद्रह बीबीए के अंदर में आ रहा है और टीडीएस कर चुका है और सिर्फ इसी टाइप की इनकम है तब तो आई टी आर फाइल करने की जरूरत नहीं है बराबर है कि नहीं है प्लीज आई डोंट पॉइंट नंबर थ्री सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीबीए प्रोवाइड्स दैट सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीबीए प्रोवाइड्स दैट फ ए नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स मैन इफ अडेंट स्पोर्ट्स मैन हैज इनकम अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीबीए हैज इनकम अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीबीए एंड हॉर्स रेस क्योंकि हॉर्स रेस के लिए भी सेम है एंड हॉर्स रेस

यू नो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती सो इज नॉट ट्राइबल टू फाइल आई अब चौथा पोस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी अगर वो रेफरी होता क्रिकेटर नहीं अगर वो रेफरी है तो वो स्पोर्ट्समैन में नहीं आते बराबर है तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है प्लीज राइट डाउन रेफरी डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन Referee do not fall within the definition of sportsman. The income will not be subject to 115 BBA. The income will not be subject to 115 BBA. दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट नॉर्मल रेट दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट नॉर्मल रेट एंड देयर फॉर टैक्स लाइबिलिटी शैल बी एंड देयर फॉर टैक्स लाइबिलिटी शैल बी देखो जो आपको हॉर्स रेस इनकम आ रहा है जो आपको हॉर्स रेस इनकम आ रहा है इस पे तो सिक्स थाउजेंड एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये एक सौ पंद्रह डबल बी के अंदर में आ रहा है बराबर है। अब जो आपकी अदर इनकम बनी अदर इनकम कितनी बनी बेटा छ लाख दस हजार रुपए कुछ नहीं बोला है तो आप न्यू स्कीम फॉलो करेंगे अप टू थ्री लैख नील थ्री लैख टू सिक्स लैख कितना परसेंट बेटा फाइव परसेंट पंद्रह हजार बराबर है बैलेंस टेन थाउजेंड पे कितना परसेंट बेटा टेन परसेंट यानी कितना बेटा एक हजार टैक्स कितना आएगा बेटा सोलह हजार टोटल टैक्स कितना बना बेटा बाईस हजार रिबेट मत दे देना सीधा सीधा एच ई सी एड करना एट द रेट ऑफ फोर परसेंट या आएगा एट एट्टी ट्वेंटी टू एट एट्टी सो अगर वो रेफरी होते हैं तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा और ऐसे केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड एट एट्टी डन सर चेक बेटा सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिया आ जाओ एक और क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर थ्री एक और क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर थ्री फट से खत्म कर देते हैं मतलब कैसा एनआर आपका खत्म होते होते आएगा मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपका एक और बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मैट बचता है चैरिटेबल ट्रस्ट बचता है टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन और यू नो डीमर्जर बचता है मतलब बाकी सारे टॉपिक में से सिर्फ एक बड़ा टॉपिक बचेगा इसके बाद वो होगा चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था फास्ट ट्रैक के अंदर में अपन सब कुछ लेने वाले हैं और अगर ये डेथ ना हुआ होता तो प्रोबेबली अब तक के सब खत्म भी हो गया होता विथ क्वेश्चन विथ अमेंडमेंट सारा का सारा पार्ट खत्म होने जा रहा है बहुत जल्द जल्दी से देखिए चेक करो रीड वेरी इजी अगेन ये आपके नए मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है और पास्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन के अंदर में भी आया था राइट सो नेडल इज अ टेनिस प्रोफेशनल एंड इंडियन नॉन इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेटेड इन इंडिया इन अ टेनिस टूर्नामेंट वन अ प्राइज मनी ऑफ फिफ्टीन लैख ठीक है सर सो so, गेम में पार्टिसिपेट करके कितने मिले पंद्रह लाख ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आर्टिकल वन लैख

टैक्स लाइबिलिटी विल बी ऑन ट्वेंटी वन लैख और देने वाला क्या डिडक्ट करेगा टी डी एस डिडक्ट करेगा और टीडीएस अगर डिडक्ट हो गया तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल आई टी आर बस यही क्वेश्चन है लिखो सिंपल सा चार से छह मार्क के क्वेश्चन आएंगे एनआर कोई डरने वाला मैटर नहीं है भाई तेरा खड़ा है लिखो एस पर सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीबीए as per section 115 bba, if non-resident sportsmen, if non-resident sportsmen, earn income from games in india, income from any games in india, or from advertisement, Or from advertisement or article in newspaper, such income shall be taxable at 20%. Article in newspaper, such income shall be taxable at 20%. further no expenditure will be allowed as deduction further no expenditure will be allowed as deduction Therefore complete twenty one lakh shall be taxable complete twenty one lakh shall be taxable. his tax liability shall be his tax liability shall be twenty one lakh into twenty point eighty percent. एच भी लगेगा चार परसेंट सरचार्ज तो आएगा नहीं तो ट्वेंटी वन लैक इंटू ट्वेंटी पॉइंट एट्टी परसेंट फोर थर्टी सिक्स एट हंड्रेड विल बी हिज टैक्स लाइबिलिटी हिस्स टैक्स लाइबिलिटी शेल बी ट्वेंटी वन लैक इंटू ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट डन थर्ड इजी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न प्लीज राइड नो ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न नो ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इफ टोटल इनकम कंसिस्ट ओनली ऑफ दिस इनकम टोटल इनकम सिस्ट ओनली ऑफ दिस इनकम एंड एंड टीडीएस इज डिडक्टेड एंड टीडीएस इज डिडक्टेड इज दट डन तो जितना कॉन्सेप्ट अब तक के पढ़ा है पूरे के पूरे के ऊपर हम लोगों ने क्या ले लिया मालिक क्वेश्चन ले लिया बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे ये था आपका प्रेजमटिव इनकम पांच हेड का इनकम किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है अब इधर आइए आपके एनआर टैक्सेशन में एक और पार्ट दिया हुआ है सर्टन इनकम ऑफ एनआर विल बी एग्जम अब ये वो पार्ट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बट स्टिल आपको दे के रखा है, मतलब, me, ये वो है जो ऑलमोस्ट आपके ओल्ड सिलेबस में भी था न्यू सिलेबस में भी था लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता किबल है या बिल्कुल नहीं आता मतलब एग्जम इनकम के बारे में एनआर के ऊपर तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते बट स्टिल आपको दे करके रखा है दिया है मतलब हमारी जिम्मेदारी है, हमको इसको पढ़ना है तो सर्टन इनकम ऑफ एनआर इज एग्जम फ्रॉम टैक्स पहला इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एनआर अकाउंट इसमें भी मैं आपको बता देता हूं एग्जाम से कुछ ही चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ के जानी है उतना पढ़ लेना काम खत्म हो जाएगा जैसे पहला ये अगर कोई नॉन रेसिडेंट है उसको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रहा है फ्रॉम अकाउंट इन इंडिया राइट ये इंटरेस्ट क्या है बेटा एग्जाम ये इंटरेस्ट क्या है बेटा एग्जाम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग यस yes. अगर कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एन असिट अंडर रिकोगग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आई एफ एस सी एंड कंसिडरेशन पेबल इन फॉरन करेंसी और कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अदर देन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी और एनी इनकम फ्रॉम एनी सिक्योरिटीज इज इशूड बाई नॉन रेसिडेंट नॉट बींग इन इंडिया या इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट चार्जेबल एंड दी जी बी पी ये सारे के सारे इनकम एक्समड है इन देंड्स ऑफ एन आर नॉट सो इंपॉर्टेंट ये कैपिटल गेन में भी नहीं पूछा जाता फोर ई फोर ई बराबर फोर ई एनी इनकम अक्रूड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंटर्ड विथ ओबीय ऑफ आई एफ एस सी तो सर अगर आपको क्या आ रही है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको आप क्या करते हो सर ट्रांसफर करते हो या ऑफ श्योर डेरेवेटिव आप ट्रांसफर करते हो इससे कोई इनकम आ रही है ये इनकम क्या है बेटा Exempt. नहीं पूछा जाता मतलब दो इट इज एन अमेंडमेंट नहीं पूछा जाता फिर भी याद रखना है नॉन डेरेवेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से इसको आप ट्रांसफर करते हो इसके ऊपर कोई भी इनकम आ रही है नॉट टैक्सेबल यस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन ऑफ शोर डेरेवेटिव इंस्ट्रूमेंट राइट right? जो आईएफएससी के थ्रू हुआ होगा उस पे भी आपको क्या दिया गया है एग्जामिशन दिया गया है फिर आता है फोर डी एक सेक्शन है सेक्शन टेन फोर डी उसके अंदर में भी आपको कुछ कंप्यूटेशन दिया और कंप्यूटेशन के मैनर दिए हुए हैं राइट right? ये मैनर भी आपको बुक्स के अंदर में लिखा हुआ है बट इसके ऊपर ना कोई उन्होंने क्वेश्चन दिया है और वो इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है उन्होंने मतलब अगर आप देखेंगे कि ये मैनर ऑफ़ कंप्यूटेशन अंडर फोर डी मैंने भी बुक में उतार करके रख दिया पर ऑनेस्टली मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ कि भैया बिल्कुल इसको पढ़ना मत बिल्कुल इसको पढ़ना रेगुलर बैच था तो रेगुलर बैच के अंदर में आपने देखा होगा अपन ने पूरा इसको डिटेल के अंदर में बताया एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे वो इस तरीके का कुछ पूछेंगे ना स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके का कोई फॉर्मुला याद करके उसके अंदर की सारी डिटेल याद करना है तो बिल्कुल आप इसको अवॉइड कर सकते हो आगे बढ़ सकते हो यस yes. नेक्स्ट है एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट फंड मैनेज बाय एडमिनिस्टर्ड बाय एन एनी पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ सच नॉन रेसिडेंट यस तो मान लो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे अगर कोई पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज हैंडल कर रहा है मैनेज कर रहा है एडमिनिस्टर कर रहा है और इससे उस नॉन रेसिडेंट कोई इनकम जनरेट हो रही है तो ये इनकम टैक्सेबल नहीं है एग्जाम की गई है सच एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय सच पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अकाउंट मेंटेन्ड विध ओबीयू इन आई एफ एस सी चेक करो एक बार यस yes, सर तो आप ध्यान से सुनिए एक और अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट के थ्रू एक और जगह पे अगर इनकम रिसीव हो रही है फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज ज एडमिनिस्टर्ड बाई एनी पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ एनआर ने इंडिया में एक पोर्टफोलियो मैनेजर रखा है यह पोर्टफोलियो मैनेजर उनके पूरे पोर्टफोलियो को क्या करता है मैनेज करता है इस पोर्टफोलियोजर से एनआर को कोई आ रहा है दैट इनकम इज एक्समड सच एक्टिविटी कैरिड आउट बाई सर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अकाउंट मेंटेन विध ओबीय वॉट इज ओबीयू ओवरसीज बैंकिंग यूनिट वट इज ओबीयू लिख के रखो ओवरसीज बैंकिंग यूनिट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इसे हम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी कहते हैं बराबर है तो सच एक्टिविटीज इज कैरिड आउट बाय ज मे बोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकाउंट में टू द एक्सटेंड सच इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एंड नॉट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया तो मान लीजिए अगर वो यू नो फंड मैनेजर है इसका जो अकाउंट है ये ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट के अंदर में ही है और वो इंडिया में सिर्फ इसे क्या करता है एडमिनिस्ट्रेट करता है तो यह अज्यूम किया जाएगा कि नॉन रेसिडेंट को जो इनकम अराइज हो रही है यू you नो know, अक्रू या इंडिया हो रही है अगर ये बैंकिंग यूनिट कहां सिचुएटेड है आईएफएससी में तो अगर इस नॉन रेसिडेंट का ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहां सिचुएटेड है आईएफएससी में सिचुएटेड है तो यह माना जाएगा दैट इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया और ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे राइट सो टेन फोर एच Again, amendment capital gain arising from transfer of equity shares of domestic company being a unit of IFSC engaged in the business of leasing of aircraft which has commenced the operation up to 31 3 2026, provided that this clause shall apply for central government from transfer of equity shares of such domestic company.

मुझे लगता है देखो अगर लॉजिकली कुछ पूछ भी सकता है तो यह पूछ सकता है इसलिए मैं सेकंड इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं सिर्फ पढ़िए लिखा क्या है बहुत इजी है अब देखिए लिखा क्या है मान लीजिए कोई यूनिट है आईएफएससी में यह पे कर रहा है किसको नॉन रेसिडेंट को क्या रॉयल्टी या डिविडेंट रॉयल्टी या डिविडेंट अगर पे कर रहा है यह देखो यहां पे कैपिटल गेन आ रहा है और यहीं पे डिविडेंट भी आ रहा है दोनों भी अमेंडमेंट है ठीक है ध्यान से सुनना सो अगर मान लीजिए इनकम हो रहा है नॉन रेसिडेंट को किससे रॉयल्टी या इंटरेस्ट से उंट ऑफ लीज ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ एयरक्राफ्ट तो ऐसे के आ रही है ये exempt so, को अगर कोई इनकम आ रही है किससे आ रही है फ्रॉम यूनिट इन आई एफ एस सी फ्रॉमिट इन आई एफ एस सी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट है हेलीकॉप्टर भी इंक्लूड होता है यहां एयरक्राफ्ट के अंदर में हेलीकॉप्टर भी क्या होता है बेटा इंक्लूड होता है तो टेन फोर एफ टेन फोर एफ भी एक सेक्शन है टेन फोर एफ के अंदर में भी ये कवर किया गया है यहां पे टेन थर्टी फोर बी की जगह टेन फोर एफ करी दीजिए सो so, अगर एन आर अर्न करता है रॉयल्टी ऑब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम लीज ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ यूनिट इन आईएफएससी तो ये एक्सम है बाकी ये टेन ईयर पीरियड अगर आप देखेंगे ये एडिशनल कंडीशन है ये आपको पूछने भी नहीं वाला है तो ये लीज़ का बिजनेस 2026 से पहले चालू हो जाना चाहिए एग्जाम्शन जो है इनिशियली फॉर टेन ईयर्स आपको प्रोवाइड किया है टेन ईयर्स की कंडीशन एडिशनल में दी हुई है तो यहां पे क्या था सिंपल है नॉन रेसिडेंट जो है इसने अकाउंट मेंटेन किया है मेंटेन किया है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट आईएफएससी में

दूसरा अगर मान लीजिए नॉन रेसिडेंट इंडिया में क्या करता है सर नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर में एयरक्राफ्ट लीज से पैसा कमा रहा है हेलीकॉप्टर लीज से पैसा कमा रहा है तो ऐसे केस के अंदर में उसकी इनकम को हम क्या कर देंगे एग्जाम कर देंगे ये नो बट ये लीज इनकम आनी कहां से चाहिए उस यूनिट से आनी चाहिए जो आईएफएससी में है ये लीज इनकम आनी कहां से चाहिए उस यूनिट से आनी चाहिए जो कहां पे बेटा आईएफएससी के अंदर में है बराबर है फिर आता है टेन सिक्स रेम्यनोरेशन रिसीव बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स। अब ये तो खैर देखो एग्जाम रेलिवेंट भी नहीं है अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स की कोई इनकम आ रही है इंडिया से तो वो इंडिया की जो इनकम कमा रहे हैं वो एग्जाम होगी कब जब हमारे डिप्लोमेट्स की भी इनकम क्या किया जाए एग्जेम्ट किया जाए तो हमारे डिप्लोमैट्स की भी इनकम अगर उस कंट्री में एग्जेम्ट है तो उनके यहाँ के डिप्लोमेट्स जो हमारे यहां वर्क कर रहे हैं उनकी भी इनकम हम क्या करेंगे एग्जाम भाईचारा टिट फॉर टैट अगर तुम हमारी एग्जाम करोगे हम तुम्हारी एग्जेप्ट करेंगे नॉट रिलेवेंट एट ऑल टेन सिक्स इनकम डिराइव फ्रॉम रॉयल्टी एफ टी एस अंडर एन अग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन और आउटसाइड इंडिया फॉर प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया इंडिया की सिक्योरिटीज के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई अग्रीमेंट किया जाता है इस अग्रीमेंट के तहत कोई रॉयल्टी एफ टी एस रिसीव होता है ये टोटली totally क्या है एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों ने कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट फॉरन से मंगाए ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमने फॉरन से मंगाए इस को मेंटेनेंस के लिए क्या पे किया जा रहा है रॉयल्टी पे किया जा रहा है दैट रॉयल्टी दैट पर्टिकुलर रॉयल्टी विल बी एग्जम्प्ट इफ इट इज आउट ऑफ एन अग्रीमेंट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज आउट ऑफ एन अग्रीमेंट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट चेक कर लो नेक्स्ट ये अब काम का नहीं रहा ये ओल्ड हो चुका है देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था जो दुबई के क्रूड ऑयल सेलर्स से है इनको बोला था आप इंडिया में ही एक क्या करो क्रूड ऑयल सेविंग फैसिलिटी करो और इंडिया से ही उसको क्या करो आप सेल करो अगर आप ऐसा करते हैं और पैसा इंडियन करेंसी में रिसीव करते हैं तो हम इनकम आपकी इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे बराबर है इसके तहत तीन सेक्शन लाया था इनिशियली उन नॉन रेसिडेंट्स को बोला था कि आप इंडिया में हम फैसिलिटी बनाते हैं या आप आपके हिसाब से फैसिलिटी डेवलप करो उसी फैसिलिटी से क्रूड ऑयल सेल करो और ये जो पैसा है ये इंडियन करेंसी में ले लो हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे ये जो अग्रीमेंट था ये इनिशियली दस से पंद्रह सालों के लिए था जब अग्रीमेंट सेल यू नो कंप्लीट होने आया तो ये बोर्ड सिस्टम पे था इन ये फॉरन नेशनल क्या करेंगे ये फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे एट नो कॉस्ट यस बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर बोर्ड सिस्टम कहा जाता है इसे तो क्या हुआ था ये जो यू नो सऊदी या कुवैत से जो क्रूड ऑयल सेलर्स थे इन्होंने अपनी एक फैसिलिटी इंडिया राजस्थान में ही बना ली और इससे क्या करते थे क्रूड ऑयल सेल करते थे पैसा जो था वो इंडियन करेंसी में रिसीव करते थे तब जाकर के सऊदी के साथ इतने अच्छे रिलेशन डेवलप हुए आर यू गेटिंग द पॉइंट तब जाकर के सऊदी के साथ इतने अच्छे रिलेशन डेवलप हुए क्यों क्योंकि उनको क्रूड ऑयल इंडिया में सेल करके क्या होता था इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता था बराबर है और 10-15 साल बाद ये फैसिलिटी इंडिया को बनी बनाई मिल जाती थी बराबर है तो अब जितनी भी इनकम है ये क्या हो गई बेटा कर दी सो इनकम रिसीव्ड ध्यान से सुनिएगा राइट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल फॉरन कंपनी अग्रीमेंट शुड बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम अक्रूविंग अराइजिंग उंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल फैसिलिटी एंड सेल ऑफ क्रूड ऑयलो एक्सम बराबर सेल करते हैं एस पर द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इस फैसिलिटी से सेल करते हैं यह इनकम क्या हो जाएगा बेटा एग्जाम ये इनकम क्या हो जाएगा एनआर के हाथ में एग्जाम अब क्या हुआ दस पंद्रह साल बाद जो फैसिलिटी थे राजस्थान में वो किसको ट्रांसफर करने थी इंडियन गवर्नमेंट को अब जो लेफ्ट ओवर स्टॉक था लेफ्ट ओवर स्टॉक अगर बेचते तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता तो गवर्नमेंट ने बोला भैया ये जो लेफ्ट ओवर स्टॉक बचा है मतलब मान लीजिए अपनी फैसिलिटी से निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर दिया अब यहां से वो ऑयल सेल कर रहे तो लेफ्ट ओवर स्टॉक है उन्होंने बोला जब तुमको पंद्रह साल टैक्स माफी दी है तो और ले लो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम फैसिलिटी इन इंडिया आफ्टर द एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट ये भी क्या कर दिया गया एक्सम्ड कर दिया गया बराबर है अब एक और सवाल उठा भैया इंडिया में क्रूड ऑयल की फैसिलिटी तो आ गई लेकिन इसे हर बार रिफिल करके भी तो इनकम कमानी पड़ेगी ना अब नॉन गवर्न अब अब सऊदी वालों ने बोला भैया अब रिफिल करेंगे तुम हमारे पे टैक्स लगाओगे भारत सरकार ने एक और सेक्शन लाया बोला भैया अगर आप रिप्लेनिश भी करते हैं इसको इससे भी कोई इनकम कमा रहे हैं इसको भी हम टैक्स फ्री कर देते हैं सो इनकम अरेंजमेंट फ्रॉम रिप्लेनिशमेंट ऑफ क्रूड ऑयल स्टोरेज इन इंडिया ये भी क्या कर दिया गया एग्जाम प्रोवाइडेड इट मस्ट बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इट मस्ट बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट

ये नॉन डिलीवरेबल भले ही अमेंडमेंट है पर मेरे को नहीं लगता है, ये पूछा जा सकता है ये पूछा जा सकता है अगर नॉन रेसिडेंट क्या करता है बेटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से उसको कोई इनकम आ रही है लेकिन ये इनकम वो फॉरेन ना लेके जाके ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में ही रख देता है आई में तो ये इनकम क्या है एग्जाम फिर नेक्स्ट अगर कोई नॉन रेसिडेंट लीज ऑफ एयरक्राफ्ट से कोई इनकम कमा रहा है ये इनकम भी क्या हो जाएगा एग्जाम ये पूछा जा सकता है देन आपका सीधा ये अगर इक्वलाइजेशन लेवे डिडक्टेड है तो नॉन अंडर के हाथ में ये इनकम क्या है बेटा एक्साम ये इनकम क्या है बेटा एक्साम आर यू गेटिंग द पॉइंट चलो चेक करो डन बेटा चलो अब यहां पे ना एक और एग्जाम्शन है देखो नेक्स्ट पेज पेज नंबर फाइव पे टेन ट्वेंटी थ्री एफ ई बराबर है अब क्या हुआ जरा समझिएगा मोदी जी आए मोदी जी ने आकर के क्या किया सबसे पहले जो गल्फ कंट्रीज थे इनसे टाइप लिया भारत को चाहिए था पैसा और अबू धाबी के पास था पैसा बराबर है मोदी जी ने क्या किया मोदी जी गए मोदी जी जाकर के उनसे रिलेशनशिप टाइप्स किए और उन्होंने कहा कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ये जो जितने भी सऊदी देश है इनमें सात राजा है इनको बोला इनका मिला करके कंबाइंड फंड है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है इनको बराबर है प्लस ऐसे कई कंट्रीज के पास अलग अलग वेल्थ फंड्स होते हैं तो अलग अलग कंट्रीज के पास गए इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आप आओ इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट करो सॉवरन वेल्थ फंड्स को बोला आप आओ इंडिया के अंदर में पैसा लगाओ बहुत सारे पेंशन बोला आप इंडिया के अंदर में क्या करो पैसा लगाओ ये पैसा आप क्या करवाओ यू नो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में लगाओ अब इंडियन स्टॉक मार्केट से इनको कितने तरह की इनकम आ सकती थी तीन पहला इंटरेस्ट इनकम आ सकता था क्योंकि लोन के फॉर्म में पैसा दिया जा सकता था डिविडेंड इनकम आ सकता था क्योंकि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में पैसा दिया जा सकता था या हो सकता है इंडियन सिक्योरिटीज में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया उसको सेल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता मतलब टेक्निकली तीन तरीके का इनकम आता इंटरेस्ट इनकम आता डिविडेंट इनकम आता या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता अब ये तीनों इनकम इन्होंने क्या कर दिए कर दिए इन्होंने कहा धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आप आओ इंडिया में पैसा लगाओ राइट पेंशन फंड आप आओ इंडिया में पैसा लगाओ सॉवरेन वेल्थ फंड आप आओ इंडिया में पैसा लगाओ आपको जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है डिविडेंड इनकम आ रहा है एंड कैपिटल गेन आ रहा है हम एग्जाम कर देंगे और यह चीज लिख दी टेन ट्वेंटी के अंदर में देखिएगा अगर कोई भी क्या है बेटा स्पेसिफाइड पर्सन है स्पेसिफाइड पर्सन मतलब ओन सब्सिडरी ऑफ अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सॉवर वेल्थ फंड पेंशन फंड एनी इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन बाईन द नेचर ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट फंड मेड बाय इट इन इंडिया वेदर इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट और शेयर कैपिटल और यूनिट मतलब किस किस तरीके से आ सकता है हो सकता है वो डेप्ट में पैसा दे दे और इंटरेस्ट कमाए हो सकता है वो शेयर्स में लगा दें इंडियन कंपनी के और डिविडेंड कमाए हो सकता है इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए लॉजिकली यही हो सकता है राइट सो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर 2020 2024 के पहले बेटा 2024 के पहले क्योंकि 2024 में वापस इलेक्शन आएगा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बढ़ाई करेगी ना हमने पैसा लाया था समझ में आई बात एक बार इलेक्शन खत्म हो दो ये डेट आगे बढ़ जाएगी पहली बता रहा हूं देख लेना थैंक मी लेटर इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट को ये कितने साल होल्ड करेंगे तीन साल एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे किसी बिजनेस ट्रस्ट के अंदर में कर देंगे राइट right? ताकि इंडिया में बड़े बड़े कोस्टल रोड्स बनाए जा सके मुंबई में द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा सके मुंबई दिल्ली हाईवे बनाया जा सके इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से आएगा कहाँ से आएगा सॉवर वेल्थ फंड से आएगा कहाँ से आएगा पेंशन फंड को बोला कि भैया पैसे लगाओ मतलब जो आदमी सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है पेंशन फंड के अंदर में उसको दिया ए सी का चम्मच कि भैया तू ओन कंट्रीब्यूशन कर रहा है आरपीएफ में तू एक काम कर दे ओन कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ कर रहा है तू डिडक्शन ले ले टीसी में अब पेंशन फंड के पास पैसा आ गया पेंशन फंड को क्या बोला तेरे पास इतना करोड़ों रुपए तू अलग अलग एम्प्लॉइज से आ रहा है चल तू इन्वेस्ट कर चल तू इन्वेस्ट कर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पेंशन फंड को फिर जितनी इनकम जनरेट होगी उसकी इनकम को क्या कर दिया एग्जाम ये है होल इंफ्रास्ट्रक्चर फिर किसी कंपनी में कर जिसका मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करना इंडिया में या फिर कैटेगरी वन कैटेगरी टू ए आई एफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हमने पढ़ा है राइट इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो बराबर है आपकी इनकम एक्समट हो जाएगी मान लीजिए रीलोकेशन भी होता है ओरिजिनल फंड का अब ये रीलोकेशन क्या था इन्होंने क्या किया जो बाहर के बहुत सारे सॉवरन वेल्थ फंड थे इनको बोला भैया हम तुमको एक बहुत जबरदस्त ऑफर देते हैं हम इंडिया में बना रहे आईएफएससी हम इंडिया में क्या बना रहे आई एफ आप उस फंड को जो फॉरेन में पड़ा है उसको इंडिया में लेके आ जाओ रीलोकेट कर दो फॉरेन फंड को कहा इंडिया के अंदर में आई के अंदर में आप जब ये रीलोकेशन करोगे इस रीलोकेशन पर भी अगर कोई गेन आता है हम उसको क्या कर देंगे एग्जाम so relocation means relocation means transfer of an asset of original funds transfer of an asset of original fund or its wholly owned spv to a resultant fund up to 31st march 2025 where consideration ज डिस्चार्ज इन शेयर्स और यूनिट्स इन रिजल्टिंग फंड कंसिडरेशन के नाम पे आपको क्या मिलना चाहिए आप ओरिजिनल फंड के जगह न्यू फंड में आओगे अब ओरिजिनल फंड बेच रहे हो तो ट्रांसफर है ट्रांसफर पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था इन्होंने बोला हम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे कंसिडरेशन में क्या दोगे न्यू फंड दैट इज रिजल्टेंट फंड के शेयर दे देना मतलब टेक्निकली एकज हो रहा है ओल्ड फंड की जगह आपको क्या मिल रहा है न्यू फंड के शेयर मिल रहे तो सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है बराबर है इसके ऊपर उन्होंने बोला हम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे और यही चीज रिलोकेशन ऑफ फंड हमने सेक्शन 47 में कैपिटल गेन में पढ़ा है कि रीलोकेशन ऑफ ओरिजिनल फंड फंड टू इज नॉट सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन वही पॉइंट है इज दट डन तो ये वो इनकम है एनआर की जो टैक्सेबल नहीं होती ये वो इनकम है एनआर की जो क्या नहीं होती बेटा टैक्सेबल नहीं होती लॉजिकली तीन से चार पॉइंट याद रखे बाकी कुछ नहीं अब अगर आप देखेंगे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट अब नॉन रेसिडेंट की कुछ इनकम स्पेशल प्रोविजन्स में कंप्यूट होती है अब ध्यान से सुनिए सबसे पहले यहाँ पे आकर के देखिए कुछ डेफिनेशंस बराबर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है अब ये डेफिनेशन में लॉजिकली एक और दो ये दो ही डेफिनेशन काम आएगी जब मैं ये प्रोविजन पढ़ाऊंगा तो पहले प्रोविजन पे आते हैं पहले प्रोविजन पे आते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनआरआई एन आर आई एन आर आई के लिए ये प्रोविजन है एन आर आई मतलब एन आर आई का क्या है एन आर आई बताओ जल्दी एनआरआई कौन होते हैं ट इंडियंस नॉन रेसिडेंट इंडियंस पेज नंबर वन पे आए हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी एनआरआईट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन मीन एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ ओर ओरिजिन हु इज नॉट रेसिडेंट मतलब वो इंडियन सिटीजन है पर रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से वो क्या नहीं बन रहा रेसिडेंट नहीं बन रहा ही इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पी आईओ इनके लिए स्पेशल कंप्यूटेशन की प्रोविजन है पहले मैं आपको याद दिला दू कुछ पॉइंट अगर कोई याद कर रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ाया था अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया और अगर वो पंद्रह लाख रुपए तक कमाता है तो उसको रेसिडेंट माना जाता है वन डेज भी इंडिया में रह गया तो और 182 डेज इंडिया में रह गया या 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीवियस ईयर रह गया तो उसको रेसिडेंट मानेंगे अगर उसकी इंडिया से आने वाली इनकम 15 से ऊपर है तो बराबर है तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं हम नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात कर रहे हैं एनआरआई सो मान लीजिए मेरा एक दोस्त जो जाकर के कहा शिफ्ट हो चुका है अब दुबई में शिफ्ट हो चुका है बराबर है ये हो गया एन आर आई जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं बना नॉन रेसिडेंट बट एन इंडियन बराबर है सो ऐसे व्यक्तियों की अगर कोई इनकम आती है इंडिया से कोई एनआरआई की इनकम आती है इंडिया से तो उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा वो रेसिडेंट कैसे होगा ये रेसिडेंशियल स्टेटस में बताया जाता है उसका इनकम कैसे कंप्यूट होगा ये सेक्शन 115 डी की स्पेशल सीरीज में बताया जाता है तो सेक्शन 115 डी की स्पेशल सीरीज कहती है अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है दैट इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसका जो इनकम है ये नॉर्मल वे में ही कंप्यूट किया जाएगा मतलब जैसे पांच हेड की इनकम कंप्यूट करते पांच हेड बेटा याद करो सैलरी एचपी पी जीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेज पांच हेड में जैसी इनकम कंप्यूट करते हम वैसी कंप्यूट करेंगे उ एवर डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी आई एफ ओ एस एंड चैप्टर सिक्स नॉट बी अलाउड हालांकि जब हम इनकम कंप्यूट करते रहेंगे पीजीबीपी के डिडक्शन नहीं देंगे आई एफ ओ एस के भी नहीं देंगे चैप्टर सिक्स के भी नहीं डिडक्शन नहीं देंगे बराबर है वाइल्ड कंप्यूटिंग कैपिटल गेन वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन फर्स्ट प्रोविजो शैल बी अवेलेबल अब मान लो एनआरआई इंडिया से क्या क्या इनकम कमाएगा सोच समझ के देखना एनआरआई मेजरली जो इंडिया से इनकम कमाएगा ना वो सिर्फ अब इन्वेस्टमेंट पे ही होगी या तो वो एचपी होगी वो तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी लॉजिकली सोच के देखना बराबर है वो क्योंकि एन है बहुत कम पॉसिबिलिटी है सैलरी इंडिया से आए पीजीबीपी बहुत कम पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो एन आर मतलब वो बाहर ही काम कर रहा होगा या ना लॉजिकली स्पीकिंग इंडिया से कौन सी इनकम आ सकती है या तो एचपी आ सकती है या तो इन्वेस्टमेंट इनकम आ सकती है बिंग कैपिटल गेन बराबर है ना, so, अगर है, इसको जो किया जाएगा फर्स्ट प्रोविजो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम इनको नहीं देंगे क्योंकि कंप्यूटेशन किस तरीके से हो रहा है फर्स्ट प्रोविजो से हो रहा है और याद रखें अदर इनकम में से चैप्टर सिक्स के डिडक्शन अवेलेबल रहेंगे फ्रॉम अदर इनकम इस पर्टिकुलर वैसे भी याद करो कैपिटल गेन में से चैप्टर सिक्स के डिडक्शन मिलते हैं नहीं तो आपकी अदर इनकम से मिल जाएंगे चैप्टर सिक्स से नहीं मिलेंगे ठीक है अब अगर मान लीजिए इस एनआरआई को कोई इनकम आ रही है तो इस एनआरआई की इनकम किस रेट पे टैक्सेबल है सर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रही है तो ट्वेंटी परसेंट इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम मतलब इंटरेस्ट या डिविडेंड से कोई इनकम आ रही है इंडिया से उस एनआरआई को तो ट्वेंटी परसेंट से टैक्स लगाएंगे यही अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो हम टेन परसेंट लगाएंगे एक सौ बारह ए का भी टेन परसेंट एक सौ बारह का टेन परसेंट क्यों क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दे रहे यस yes, तो कैपिटल गेन जो कंप्यूट किया जाएगा नॉर्मल तरीके से कंप्यूट किया जाएगा यूजिंग प्रोविजंस ऑफ क्या था मैं जरा याद दिला देता हूं फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट से कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे इस एनआरआई के लिए फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट से कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे इस एनआरआई के लिए फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट से कंप्यूट करेंगे इस एनआरआई के लिए फर्स्ट प्रोविजो क्या था याद कर फर्स्ट प्रोविजो कहता था कैपिटल गेन शेल बी कंप्यूटेड इन फॉरेन करेंसी एंड देन इट शेल बीड इन टू इंडियन करेंसी यूजिंग रूल हंड्रेड एंड याद होगा तो नॉन रेसिडेंट जब इंडियन नॉन रेसिडेंट क्या करता है इंडियन कंपनी के शेयर करता है यूजिंग फॉरेक्स यूजिंग फॉरेक्स तो हम कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कंप्यूट करते हैं और बाद में उसे इंडियन करेंसी में कंप्यूट करते हैं ड्रेड एंड फिफ्टीन ए यस अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन पेंडिंग है वो इसी का ही है बराबर है। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे और सीधा सीधा क्या निकाल देंगे कैपिटल गेन निकाल देंगे अब आपको याद होगा जब कैपिटल गेन निकलता है कैपिटल गेन में से फिफ्टी फोर सीरीज के एग्जामिशन मिलते हैं अब ये तो एनआरआई है और वो बे तो के के लिए लिए थे क्या क्या को भी कोई बेनिफिट दिया जाएगा? क्या, NRI के लिए भी कोई कोई दिया जाएगा भारत छोड़ने के बाद भी वो इंडिया में कर रखा है अगर कोई एनआरआई सिक्योरिटी सेल कर देता है और इसके कैपिटल गेन से वो री इन्वेस्ट करता है इंडियन कंपनी की सिक्योरिटीज में ही मतलब इंडिया में ही सिक्योरिटीज बेच पैसा आया वापस इंडियन कंपनी में ही लगा दे यस तो हम तेरे को कैपिटल गेन में से एग्जाम्शन देंगे तो वापस से कमऑन एनआरआई इंडिया में अगर यू नो सिक्योरिटी सेल करता है इस पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा कैपिटल गेन टैक्स कितने परसेंट पे टैक्सेबल है टेन या फिफ्टीन परसेंट पे उनको जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही वो कितने परसेंट पे टैक्सेबल है ट्वेंटी परसेंट अदर इनकम स्लैब रेट बराबर है अब जो कैपिटल गेन आएगा वो कैसे कंप्यूट होगा फर्स्ट प्रोविजो से कंप्यूट होगा जो कैपिटल गेन आएगा वो कैसे कंप्यूट होगा फर्स्ट प्रोविजो से कंप्यूट होगा बराबर है अब जो कैपिटल गेन आया क्या इसमें से कोई एक्सामेशन मिलेगा सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन एफ बोलता है हाँ सिक्योरिटी बेच कैपिटल गेन ला और कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट कर दे अगेन इंडियन सिक्योरिटीज में तो हम तेरे को कैपिटल गेन का दे देंगे चेक शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग अनादर फॉरन एक्सचेंज असेट दैट इज फॉरेस्ट एसेट सेविंग सर्टिफिकेट विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तो आपको जैसी इंडियन इंडियन सिक्योरिटीज आपने बेची उसी फॉरन करेंसी से आपको वापस से क्या करना है इंडियन सिक्योरिटीज परचेज करना है विद विद इन इन मंथ मंथ तो इससे कितना कैपिटल गेन एग्जाम होगा कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू अट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन वही फॉर्मूला जो अपना था कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन फिफ्टी एफ में भी यही फार्मूला पड़ा था फिफ्टी फोर में भी यही फार्मूला पड़ा था सो कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाई नेट कंसिडरेशन न्यू असेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इन टू मनी विद इन थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन जो नया असेट आप एक्वायर कर रहे हैं इसको एटलीस्ट कितने साल होल्ड करना पड़ेगा बेटा तीन साल तक के होल्ड करना पड़ेगा नहीं तो जो आपका कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल हो जाएगा तो वापस से एक बार एन है एन क्या करता है इंडिया से इन्वेस्टमेंट इनकम कमाया 20 परसेंट टैक्सेबल कैपिटल गेन कमाया 10 परसेंट और 15 परसेंट टैक्सेबल कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा फर्स्ट प्रोविज टू सेक्शन 48 एट बराबर है उसके बाद में कैपिटल गेन में से क्या कोई एक्जम्शन मिलेगा येस एक एफ बोलता है हम एक्जम्शन देंगे कितना कैपिटल गेन इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाई नेट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड आपने छ महीने के अंदर ही सिक्योरिटी परचेज करना है जो सिक्योरिटी परचेज करी वो तीन साल तक होल्ड करना है गेटिंग द पॉइंट अच्छा जी सर फर्दर ऐसे एनआरआई को इंडिया में रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं ऐसे एनआरआई को इंडिया में रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं एक और सेक्शन लाया सेक्शन हंड्रेड जी जो कहता है आर ओ आई एक्सामिशन इज अवेबल इफ टोटल इनकम कंसिस्ट ओनली ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लो अगर एनआरआई के पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है राइट और इसका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है आप लॉजिकली सोच के देख उस नॉन रेसिडेंट का टीडीएस अगर तुमने पहले डिडक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था टैक्स कलेक्ट करने का वो तो पूरा हो गया उससे रिटर्न भरवा के कर भी क्या लेंगे गवर्नमेंट का काम रिटर्न है नहीं टैक्स कलेक्ट करना है एक बार टीडीएस आया मतलब कोई एनआरआई है हर बार इंडिया से क्या करता था इस तरीके का बेनिफिट ले लेता था ले, ले लेता था पिछले साल एनआरआई इंडिया आया वन एटी टू डेज से ज्यादा रह गया अब रेसिडेंट बन गया अब आप बोलोगे नॉर्मल प्रोविजंस लगा लॉन्ग टर्म पे 10 परसेंट की जगह 20 परसेंट टैक्स दे नॉन रेसिडेंट बोलता है गलती से मैं यहां आ गया था मेरी इच्छा नहीं थी वो गलती से मैं वन एटी डेज से ज्यादा रह गया था कुछ तो कंसिडर कर लो ना मालिक क्योंकि ये जनरली नॉन रेसिडेंट है और मल्टीपल रीजन के कारण वो रेसिडेंट हो सकता है ऐसे केस में भारत सरकार ने बोला वो एनआरआई कंटिन्यू कर सकता है स्पेशल प्रोविजंस को मतलब लॉन्ग रंग लॉन्ग टर्म पे कितना बेटा टेन परसेंट बस उसको ए को क्या करना पड़ेगा एक लेटर लिखना पड़ेगा और ए को बताना पड़ेगा मैं एन वाली प्रोविजन में ही कवर होना चाह रहा हूँ मैं एन आर वाले प्रोविजन में ही कवर होना चाह रहा हूँ इवन दो आई एम बिकेम रेसिडेंट सो वेन एन आर आई बिकेम रेसिडेंट इन इंडिया ही मे फर्निश डिक्लेरेशन अलॉन्ग विथ आर ओ आई टू द ए

चैप्टर इज ओवर अब ध्यान NRI, NRI से सुनिए नॉ एन आर आई एनआरआई की इन्वेस्टमेंट इनकम पे ट्वेंटी परसेंट टैक्स है कैपिटल गेन के ऊपर टेन परसेंट टैक्स है शॉर्ट टर्म के ऊपर पंद्रह परसेंट टैक्स है कैपिटल गेन फर्स्ट प्रोविजो से कंप्यूट किया जाएगा यस yes. तो मैंने क्या कर रखा है मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो से रिलेटेड एक क्वेश्चन ला रखा है ताकि ये जो एनआरआई का स्पेशल प्रोविजन है ये आपको बड़े क्लियरली पता चल जाए आओ बेटा पहले रीड कर लो फट से प्रॉब्लम रीड कर लो लास्ट टॉपिक और आपका एनआर टैक्सेशन ओवर हुआ डन बेटा, ए इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन रेमिट डॉलर फोर्टी थाउजेंड टू इंडिया इन टू थाउजेंड सेवन दो हजार सात में उसने इंडिया में रेमिट किया था रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल याद आ रहा है अमाउंट इज पार्टली यूट इन टू थाउजेंड एंड एट फॉरिंग टेन थाउजीड फॉर फोर्टी एट पर शेयर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फेयर मार्केट वैल्यू इकतीस एक दो हजार अठारह के दिन पैंतीस रुपए है मतलब क्यों दिया होगा हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए के लिए हो सकता है डिटेल द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट टी टी बी आर टी टी एस आर दिया है बाइंग रेट भी दिया है सेलिंग रेट भी दिया है कंप्यूट कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स ऑन द दैट दीज हैव नॉट बीन सोल्ड थ्रू अ टैक्सनाइज स्टॉक एक्सचेंज और दीज हैव बीन सोल्ड थ्रू अ रिकोग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अब पहला अगर रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज से सेल नहीं किया गया है तो क्या करेंगे बेटा उस केस में हम लोग फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट लगाएंगे बराबर है कि नहीं है सो so, प्रॉब्लम नंबर फोर ए इफ नॉट सोल्ड थ्रू आर एस सी अगर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से सेल नहीं किया गया तो हम लोग पहले क्या करते हैं हम लोग क्या लगाते हैं बेटा फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन फोर्टी एट लगाते हैं बराबर है इसके तहत कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाता है इन फॉरेन करेंसी कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाता है इन फॉरेन करेंसी अब बताइए सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे बेटा आपको याद होगा तो आप सेल कंसिडरेशन यू नो क्या लेते हो बेटा एवरेज ऑफ टीटीबी आर टी टी एस आर एवरेज ऑफ टीटीबीआर टी टी एस आर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर बराबर है कि नहीं टी टी बी आर टी टी एस आर बराबर है टी टी बी आर टी टी एस आर क्या प्रॉब्लम में जाओ एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर अब ट्रांसफर की डेट क्या थी इधर डेट ट्वेंटी फोर कर देना ट्रांसफर की डेट क्या थी थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर अब ध्यान से सुन सिक्सटी वन प्लस फिफ्टी नाइन डिवाइडेड बाई टू क्या तेरा एवरेज ऑफ टी टी बी आर टी टी एस आर सिक्सटी आ रहा है बराबर है तो ध्यान से चेक कर बच्चा सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा बोलो जल्दी से आपने कितने शेयर सेल किए टेन थाउजेंड इंटू फोर्टी एट रुपीज के हिसाब से शेयर सेल किया टेन थाउजेंड इंटू फोर्टी एट डिवाइडेड बाई सिक्सटी तो आपका यूएस डॉलर के अंदर में आ जाएगा यह आया आपका एट थाउजेंड डॉलर इसमें से सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं तो आप क्या लेते हो अच्छा ये क्या किया आपने टी टी एस आर यूज किया अब बताओ कॉस्ट कितनी थी बेटा टेन थाउजेंड इन टू ट्वेल्व अब टी टी बी आर लेना पड़ेगा एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ये सारे डेट्स आप 2008 करिए अब एक्विजिशन के टाइम पे डेट क्या था एक्वायर कब किया था तीन दस तीन दस के दिन क्या था बेटा एवरेज 21 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 पुट द वैल्यू गेट द आंसर आ गया बेटा 20 तो लो इसको डॉलर में कन्वर्ट करो फॉरेन करेंसी 10,000 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 20 ये आ गया 6,000 डॉलर तो आपको क्या मिल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल रहा है डॉलर 2,000 का बराबर है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप क्या कन्वर्ट करते हो कन्वर्ट करते हो एट टी टी बी आर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर याद है तुमको आप इसे टी टी बी आर पे कन्वर्ट करते हो एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच इज फिफ्टी नाइन सो डॉलर टू थाउजेंड इन टू फिफ्टी नाइन वन लैख एटीन थाउजेंड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया फर्स्ट प्रोविजो पे क्वेश्चन है मतलब ये आपका कैपिटल गेन का पर्पस भी सॉल्व कर रहा है एनआर टैक्सेशन का भी सॉल्व कर रहा है और मैंने कैपिटल गेन में आपसे कहा था हम यहां एक प्रॉब्लम लेंगे इस पर तो आपने क्या किया अगर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से सेल नहीं हो रहा तो फिर जो कैपिटल गेन निकलेगा वो फर्स्ट प्रोविज़ो से निकलेगा फर्स्ट प्रोविज़ो के हिसाब से आप सबसे पहले कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं और उसको बाद में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं बराबर है सेल कंसीडरेशन टीटीबीआर टीटीएसआर टी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इसका आप एवरेज लेते हो यहां पे आप टीटीबीआर का एवरेज लेते हो बराबर है और कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकालते हो इस फॉरेन करेंसी को आप कन्वर्ट करते हो टी टी बी आर एज ऑन ट्रांसफर तो वो बन गया एक लाख अठारह हजार रुपए बराबर है बेटा चलो अब यही अगर शेयर सेल हुए थ्रू रिकगनाइज स्टॉक एक्सचेंज तो ऐसे केस में थर्ड प्रोविजो आता है बोलता है नो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए अप्लाइज तो अगर 112 करता है, मतलब कैपिटल तो, तो गेन तो जो कंप्यूट होता है वो एक सौ बारह ए के हिसाब से होता है सबसे पहले आएगा सेल कंसिडरेशन बराबर सेल कंसिडरेशन दस हजार इक्विटी शेयर अड़तालीस रुपए के हिसाब से एक यह बन गया बेटा फोर लैख एटी थाउजेंड इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेंगे एक सौ बारह ए के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आप लेंगे वो किसके लेंगे बेटा एक सौ बारह ए के हिसाब से विच शेल बी हायर ऑफ ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी आई थी एक लाख बीस हजार बींग दस हजार इक्विटी शेयर एट वन ट्वेंटी इच बराबर है ना बी लोअर ऑफ सेल कंसिडरेशन फोर लैख एटी थाउजेंड फेयर मार्केट वैल्यू दस हजार के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉब्लम में पैंतीस बोली थी थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड तो इधर लोअर ऑफ आ गया थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड इन दोनों में का हायर थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया बेटा एक लाख तीस हजार चेक कर लो अब यहां जो हमने कॉस्ट ली है वो एक सौ बारह ए के हिसाब से ली है बराबर है इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एग्जाम हो जाएगा अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व वे वो कितना होगा बेटा एक लाख बचावा जो थर्टी थाउजेंड है इसके ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ टेन परसेंट दैट्स थ्री थाउजेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट बियॉन्ड रुपीज वन लैक इफ कवर्ड अंडर हंड्रेड एंड बेटा लो जी ये एक और क्वेश्चन हुआ और इसी के साथ साथ आपका एनआर टैक्सेशन भी खत्म होता है यस इधर आ जाओ सर मैं आपको लेके चलता हूं मॉड्यूल के ऊपर दिखा देता हूं एवरीथिंग जो अपन ने आज लिए सब कुछ न्यू मॉड्यूल के हिसाब से है फाइनल में गया फाइनल में जा कर के मैं डी में गया डी में जा कर के नीचे में गया एनआर टैक्सेशन टॉपिक में एनआर टैक्सेशन टॉपिक में पहला क्वेश्चन अगर मेरे को याद आ रहा है तो वो था नैडल का बराबर है ये लीजिए नेडल का क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था आपको याद होगा 436 800 आंसर आया था कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री एज इट इज आपके मॉड्यूल का नए मॉड्यूल का है फिर ये क्वेश्चन था सिंगापुर वाला बराबर है चलो ये भी देख लेते हैं सिंगापुर, लो जी सर सिंगापुर, लीजिए सर ये है क्वेश्चन नंबर एट आपके नए मॉड्यूल का इंस्टीट्यूट के हिसाब से सीएमए के लिए भी एक्ट रिमेन सेम तो क्वेश्चन भी सीएमए रहने वाले हैं ये वही क्वेश्चन है आप देख सकते हैं आपका आंसर था सात करोड़ पे पांच परसेंट आ गया आपका आंसर आई सी है आंसर मैच बराबर तीसरा क्वेश्चन क्या था तीसरा क्वेश्चन ये जो अभी हमने सॉल्व किया आ, इसका कोई एक वर्ड ढूंढता हूं रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं कोई और वर्ड से ढूंढना पड़ेगा नहीं तो मिलेगा भी नहीं फोर्टी थाउजेंड की वैल्यू से ढूंढता हूँ शायद कुछ मिल जाए होना तो चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो अपन ने फास्ट ट्रैक में भी लिए हुए वो सब वहीं आए ओ शिट फोर्टी थाउजेंड से नहीं आ रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज से ढूंढ लेते हैं शायद मिल जाए लो जी ओ भाई साहब ये लीजिए क्वेश्चन नंबर टेन है जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है चलो तुरंत आंसर भी मैच कर ले अगर आया होगा तो लो जी पहला आंसर आपका भी आया वन लाख थर्टी थाउजेंड नहीं ये सेकंड आंसर है पहला आंसर आपका आना चाहिए एक लाख अठारह हजार इफ यू आर नॉट सोल्डिंग थ्रू रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इज दैट आंसर कमिंग हमारा आंसर क्या आया था वही आया था क्या लो जी हमारा भी आंसर वही आया था बराबर दूसरा पॉइंट क्या था बेटा दूसरा पॉइंट था अगर रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज से किया है तो आंसर आना चाहिए एक लाख तीस हजार जिसमें से तीस हजार टैक्सेबल होना चाहिए हंड्रेड एंड ट्वेल्व के तहत बराबर हमारा आंसर क्या आया लो जी एक तीस आया जिसमें से हम भी तीस परसेंट को टेन परसेंट टैक्स कर रहे खत्म तो इस तरीके से आपका एनआर टैक्सेशन खत्म हो गया इसके अलावा बेटा अगर कुछ और प्रॉब्लम है आप एनआर में जाकर के सॉल्व कीजिए अगर कुछ और प्रॉब्लम है बिंदास आप क्या कर सकते हैं सॉल्व करेंगे जैसा अपन ने बताया वैसे ही करेंगे एक जो लास्ट कंसेप्ट अभी आपको मैंने वाला पढ़ाया ना एनआरआई का मॉड्यूल में ये एक बार कर मतलब वो वाले पे भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके अलावा एनआर के बस मॉड्यूल उठाओ दनादन दना दन सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो कहीं आप अटकोगे नहीं अपना गारंटी है इंडिया की कोई भी बुक उठा लो उसमें से भी सॉल्व कर लेना ले खत्म ज डन तो चलिए सर अब मैं आ जाता हूं एक बार आपको आ, बता दू ये अपना फास्ट ट्रैक मैं इंडेक्स खोल देता हूँ क्या मेरे को बड़ा मजा आ जाता है यार टॉपिक कंप्लीट हुए टॉपिक कंप्लीट हुए बोल करके सैलरी और एचपी मैं आपको बता दूं मैंने आपको फास्ट ट्रैक में दे रखा है पर सैलरी और एचपी आपके नए मॉड्यूल में है ही नहीं मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तो ये दो तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले वो हटा दिया मैंने एनआर टैक्सेशन हमारा जो था वो पॉइंट के अंदर में था एनआर टैक्सेशन हमने खत्म कर दिया मतलब लॉजिकली बहुत छोटे छोटे टॉपिक बाकी है अमल गमेशन डी मर्जर एग्जम्शन ब्लैक मनी गार इधर क्या क्या बाकी है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट तो खैर हो चुका है तो इसको हटा दो टनिज टैक्सेशन भी हो चुका है तो इसको भी हटा दो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट टनिज टैक्सेशन यानी बच टी भी हो चुका है इसको भी हटा दो इस लिस्ट से टी भी हो चुका है मतलब अब हमारे पेंडिंग टॉपिक बचते हैं इंटरेस्ट पेनल्टी चैरिटेबल ट्रस्ट एम टी मैट ए एम टी मैट बराबर टनेज नहीं बचता है, टनेज हो चुका है और इधर अमल गमेशन डिमर्जर एग्जामिशन और गार मुझे ऐसा लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम कहाँ लगने वाला है चैरिटेबल और मैट में बाकी सब तो इज़ीली खत्म होंगे तो अगला वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट जो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसके अंदर में ये जो छोटे टॉपिक है ना ये छोटे टॉपिक तीनों में सबसे पहले उड़ा दूंगा अमल डीमर्जर एंड एग्जमिशन स्पीड में आपके अगले यू you नो know, वीडियो के अंदर में खत्म हो जाएंगे रुकूंगा यहीं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर में टेक केयर